यार प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी। और वो क्या, ये जो पाइप दिख रहा है ना, ये हमारे फ्लैग वाला, इसका ना ज़्यादा लोड आ गया है आगे। और भाई साहब ये चेक करो, टूट गया यार यहाँ से। अच्छा, बड़ा यूनिक सा है यार, छोटा सा है लेकिन बड़ा यूनिक सा है। यहाँ पे भैया लोग हैं, आप लोग यहीं रहते हैं ना, फास्ट टैग वाला वो बनाते हैं अक्सर। और यहाँ से हमें सीधा अब निकलना है गंगा नदी पे, यहाँ से हम बिहार को छोड़ने वाले हैं भाई। बाय बाय बिहार। अभी हमें जैसे ही बक्सर हम क्रॉस किए, गंगा नदी क्रॉस किए, भैया मिले। और इधर आपको दिखाते हैं ये आटा पीसने वाली ना गेहूँ। अच्छा, ये सत्तू पीसने वाली है, चने का दाल जो पीसते हैं भाई, देख लो। ये भैया लेके चलते हैं ऐसे बाइक पे, जैसे आप घूम घूम के ऐसे पीसते रहते हैं। ओहो, बड़ा यूनिक सा है यार, छोटा सा है लेकिन बड़ा यूनिक सा है। ये किस हिसाब से, घंटे के हिसाब से पीसते हैं, कैसे पीसते हैं? 100 रुपये में 1 किलो बेचते हैं। अच्छा, मतलब बेचते हैं आप? नहीं, हम सोचे कि जैसे गांव में लोग पिसवाते हैं ना, घूम घूम कर बेचते हैं। हो तो 100 रुपये किलो भैया बेचते हैं ये चने का जो सत्तू है, इसमें पीसा जाता है। और ये शुद्ध चने का सत्तू, तो ये तो शुद्ध होगा ही, क्योंकि आप गांव में जाके सामने पीसते हैं, उसमें चने रखे हुए हैं और इसमें भी चने हैं। ये भुने हुए हैं ना, ये बेसन है। अच्छा, वो भुना हुआ है ना चना। तो भाई ये यार जुगाड़ सबसे बेस्ट लगा हमें, क्योंकि छोटा सा इस। और ये देखो, चेक करो, ये भुने हुए चने हैं, बिल्कुल फ्रेश चने। और गांव में घूम घूम के ये बेचते हैं, और किसी को डाउट रहता है तो सामने पीस भी देते हैं। और ये छोटा सा होंडा लगा हुआ है, होंडा का इंजन है। और ये छोटी सी चक्की यार, ये बहुत मस्त है, जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। तो ये मतलब आपको कितने का पड़ गया था? ₹1 लाख, मैंने गाड़ी मशीन लेकर। अच्छा, मतलब ये पूरा गाड़ी वाड़ी सारा कुछ सेटअप 1 लाख का पड़ा है। और ये केवल मशीन कितने का आया था? 23,000। तो यार एक हिसाब से कोई ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, क्योंकि साथ में आपको होंडा भी मिलता है और पूरी चक्की भी मिलती है इसकी। तो ये तो हमें बेस्ट ऑप्शन लग रहा है छोटे मोटे काम के लिए। तो दिन भर में आप कितना बेच देते हैं भैया? लगभग 30-40 किलो। 30-40 किलो, यानी कि 3,000-4,000 एक दिन का। सही है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉफिट भी हो जाता है। ठीक है भैया, थैंक यू। और यार बिल्कुल फ्रेश चने हैं। यार प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी। और वो क्या, ये जो पाइप दिख रहा है ना, ये हमारे फ्लैग वाला, इसका ना ज़्यादा लोड आ गया है आगे। और भाई साहब ये चेक करो, टूट गया यार यहाँ से। अब तो ये छोटा हो गया भाई, अब इसको अगर नीचे से बांधते हैं वहाँ से ले जाके, तो ये तो भाई यहीं तक रह जाएगा। ओ भाई साहब, टूट गया यार बिल्कुल यहाँ से। अब इसको कैसे उपाय करें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओहो, ओ भाई टूट गया यार, ये चेक करो। अब देखते हैं आगे कोई अगर दुकान मिलता है हार्डवेयर का, तो वहाँ शायद हमें मिल जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक का कोई दुकान होगा वहाँ पे हमें पाइप मिल जाएगा। ओ, तब तक तो इसको ऐसे ही रख के ले जाना पड़ेगा। क्या हाल है अंकल जी? ये टूट गया ना, ये पाइप, इस पर लोड पड़ गया ना, तो टूट गया है बीच से। अब आगे दुकान पर लेना पड़ेगा दूसरा पाइप। इधर आगे दुकान होगा ना, डाल दीजिएगा, साकेट मिलेगा, चाहे पाइप ही ले लेंगे। हाँ भाई, चैनल हमारा सर्च कर रहे हैं। कहाँ से भाई आप? बलिया। अब तो बिना फ्लैग का बिल्कुल सुना सुना लग रहा है पीछे, नहीं तो ये बाजू में लगता रहता था ना फ्लैग का जो डंडा था, वो लगता रहता था। तो अब तो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है कि इधर पूरा खाली हो गया। ओ भाई, ओहो, क्या सेल्फी, बिल्कुल ले लो भाई। हाँ, अब रिटर्न जा रहे हैं ना, भूटान गए थे। क्या हाल है भैया? ठीक है, आपको वीडियो बना रहे थे लेकिन। अच्छा, हाँ तो साइकिल है ना मेरे पास, कहाँ से आ रहे हैं?
अभी तो भूटान से आ रहे, भूटान दार्जिलिंग से। तो रिटर्न जा रहे हैं, बहराइच जाना। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप लोग तो घर जाएंगे। अच्छा मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर इधर है ना? अच्छा अच्छा, एक इधर से भी जाता है ना रास्ता? हाँ समझ गया, बनारस से यूपी। अच्छा इंस्टा भी यही है, टैग कर देना, मेंशन करना। बाय, ठीक है भाई, थैंक यू। भाई लोग मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? भूटान गए, भूटान, भूटान डाल से। हाँ साइकिल से? हाँ साइकिल। अब तो रिटर्न जा रहे हैं, बहराइच जाना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू भाई। दोस्त है, कुछ मिलना चाहते हैं? बिल्कुल रुकेंगे भाई। तेरे दोस्त है सर? हो गए डेढ़ महीने। हेलो भाई, डेढ़ महीने को वहाँ से आते हुए, मतलब जाके रिटर्न आज डेढ़ महीने हो गए। कितने तरीके चले हैं? लड़ा दो, नहला दो, रिकॉर्ड हो जाएगी। सर अभी हम पहुँच गए रसड़ा बलिया, और ये चौक मैं पिछली बार दिखाया था, और इस बार भी भाई देख लो, आई लव रसड़ा भैया। यहाँ भी मिलेंगे साक्षी जनरल स्टोर। ओ हो, ये बैठे, क्या हाल है भैया? कैमरा लगाया क्या? हाँ, इसी के चक्कर में तो बहुत परेशान थे, जल्दी मिल नहीं रहा था ना। कितने कैमरा लिए? ये पड़ा 26,500। 26,500 हजार? 26,500 का है ये? हाँ। कहाँ मिला ये? मिला पश्चिम बंगाल में। ये? हाँ। ये क्या बोलता भी है ये? हाँ सब कुछ रिकॉर्ड करता है। अच्छा, तो इधर से जब हम जा रहे थे तो भैया मिले थे यहीं चौराहे पे, और वापसी में हम कहे मिल के ही जाएंगे, इसलिए हम सीधा भी निकल जाते हैं वहाँ से, वो निकल जाता ना रास्ता। अच्छा। लेकिन हम कहे कि लगातार चलता रहता है ना ये? हाँ, हम कहे कि मिल के ही जाएंगे। भैया लोग हमें मिले थे और यहाँ पे मस्त पी रहे हैं चाय, चाय पी के इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। क्या हाल है भैया? और भैया तो अपने काम में व्यस्त हैं। क्या हाल? बढ़िया। हमारा रू वाला मोबाइल फूट गया ना, इसीलिए तो हम पहचान नहीं पाए। नहीं, नंबर उसमें लिखा है, सेव किए हैं। तो अभी यार फाइनली हम पहुँचे थे वहीं ढाबा पे, राजशाही ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। इधर से जाते समय यहीं पे स्टे किए थे, और वापसी में आज हम निकले थे पुराना भोजपुर से, और यहाँ तक पहुँच गए टाइम से ही, तो आज यहीं पे स्टे करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे सभी सर लोग मिले हैं, सभी लोग टीचर हैं, तो मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। जी कुछ कर, हाँ आप तो ज़रूर बोलिए। ऐसे लोगों से मिलने से अच्छा लग रहा है, कम से कम पूरा देश को ये भ्रमण कर रहे हैं, और समाज में जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं इनको नज़दीक से देखने का अवसर मिल रहा है, और हर लोगों के रहन सहन हर क्षेत्र के ये समझ रहे हैं, कहाँ खान पान रहन सहन कैसा क्या है, पूरा देश को समझने में ये अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो एक चीज़ तो ये बहुत पॉइंट वाली चीज़ है, मैं बता रहा हूँ कि आप जो ज्ञान आप बुक से लोगे ना, जो भी हिस्ट्री की जो भी नॉलेज है आपको जो बुक से मिलेगी, अगर आप वहाँ पे जाके वो चीज़ लाइव देखोगे ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो चीज़ कभी लाइफ में आप नहीं भूलोगे। बुक्स की पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाओगे आप, लेकिन जो लाइव देखोगे ना वो कभी नहीं भूलोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा घूमने का आप भी प्रयास करना। मेरा नाम दिनेश कुमार है, और मैं पहले पोस्टिंग जो है कि श्रावस्ती के जमुना ब्लॉक में था, तो मित्र मेरे बहराइच के ही है, श्रावस्ती तो वहीं बहराइच के पास में, तो भैया की पोस्टिंग वहीं पे थी श्रावस्ती में, तो बहुत अच्छा लगता है जो भी लोग करीब के मिलते हैं। और हमें तो अब ऐसा हो गया कि कहीं बाहर निकलते हैं तो ऐसे लोग मिलते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं ना कि हमें ज़रा भी नहीं ये नहीं फील होता है कि अपने घर पे या घर से बाहर है, ऐसा कुछ फील नहीं होता है। 2,000 किलोमीटर दूर भी चले जाते हैं ना, तो ऐसी ऐसी फैमिली मिल जाती है, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, आप जैसे लोग जो हमारे बर्थडे बॉय हैं, आज बर्थडे है, आप लोग सब हैप्पी बर्थडे भैया, आज भैया का बर्थडे है, ग्रुप लगा दिए थे। तो कुछ बताइए दो शब्द कहिए।
इनको हार्दिक शुभकामनाएं, इनकी यात्रा पूरी हो। अंजनी भाई हमारे कुछ कहेंगे आपके? कहना क्या है, ये आगे बढ़ते रहें, पूरा देश आतन घूम रहे हैं, देश आतन में तो बहुत जगह घूमे हैं, अच्छा लगा। बस इतना इतना ही सपोर्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिधर भी जाते हैं ना भैया लोग मिल जाते हैं, सब लोग मिल जाते हैं, और ज़्यादातर हमें पुलिस भी काफ़ी हेल्प की है, तो सभी लोगों को दिल से थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।